स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों हमारे इंडस्ट्री में लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आता रहता है लोगों का, अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरह से ट्रक को लगा सकते हैं उसके बारे में। तो मैं सोच रहा था कि इंडस्ट्री वाइज मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं और बताऊं कि आप अगर उस तरह के इंडस्ट्री में अपना ट्रक प्लेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ताकि लोगों को ट्रक प्लेस करने में जो है प्रॉब्लम आ रहा है उसमें थोड़ा सा उनको सुविधा मिल जाए, और किस तरह से वो ट्रक को प्लेस कर सकते हैं उसका भी उनको जानकारी हो जाए। जैसे कि मैंने अभी एक इंडस्ट्री सब्जी मंडी के बारे में बताया था, जहाँ से कि वेजिटेबल्स और आपका फ्रूट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो वहां पे आप किस तरह से ट्रक लगा सकते हो उसकी जानकारी में दिया था। उसी तरह से आज का जो वीडियो है वो सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिस्टिक वेयरहाउस जैसी जो कंपनी है उसमें आप किस तरह से अपने ट्रक को प्लेस कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर सप्लाई चेन हो गया है, एजिलिटी हो गया, इस तरह के बहुत सारी कंपनी है जो कि वेयर हाउसिंग का भी काम करती है, साथ साथ में लॉजिस्टिक का जो इंडस्ट्री है इंडिया का वो तो है। तो आप ऐसे सारे इंडस्ट्री में अपने ट्रक को प्लेस करने के लिए, अपने ट्रक को लगाने के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना होता है, क्या तरीका होता है कांटेक्ट करने का, वो सारे डिटेल्स मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, पूरे ध्यान से देखिए और जानिए कि वो प्रोसेस क्या है इन सारे कंपनीज में ट्रक को प्लेस करने का, वहां पर अपने ट्रकों को अटैच करने का। तो दोस्तों हम बात करते हैं लॉजिस्टिक या फिर जो वेयर हाउसिंग कंपनी होती है, जो वेयर हाउसिंग का काम करती है। एक्चुअल में ये इंडस्ट्री जो इस तरह की जो कंपनी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, और इसमें जो पर्सन है जो एक्चुअल में ट्रक को प्लेस करता है वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता है कि एक्चुअल में वो कौन सा डिपार्टमेंट है, एक्चुअल में वो कौन सा पोस्ट है जो बंदा है वहां पे ट्रक प्लेस करता है। तो आज मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों इस तरह की जितनी भी कंपनी होती है उसमें 3-4 पोस्ट जो है इस तरह के होते हैं, जो कि एक्चुअल में उनका काम होता है ट्रकों को प्लेस करने का, वेंडर मैनेज करने का, और इससे रिलेटेड पेमेंट वगैरह जो है मैनेज करने का। तो पहला पोस्ट होता है दोस्तों लॉजिस्टिक मैनेजर का, जो कि लॉजिस्टिक का काम देखते हैं, वहां पे हर तरह के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं। दूसरा होता है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव का भी काम कुछ हद तक वही होता है कि उनको वेंडर मैनेजमेंट करना पड़ता है, वहां पे ट्रक प्लेस करवाना पड़ता है। तीसरा होता है दोस्तों आपका वेंडर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां पे कि लोग हर अलग अलग ट्रक वाले के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उनसे अपना ट्रक जो भी उनको रिक्वायरमेंट होता है वो लेते हैं। और चौथा होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जहां पे कि स्पेशली यही डिपार्टमेंट होता है जहां पे कि लोग ट्रक प्लेस करते हैं, जहां से लोगों को ट्रक का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि हमारी भी कंपनी है, तो हमारी भी कंपनी में ट्रैफिक के डिपार्टमेंट है, वहां पे करीब पूरे कंपनी के अंदर 6-7 लोग हैं जो कि ट्रकों को प्लेस करते हैं। तो इसी तरह से हर तरह की जितनी भी कंपनी है, हर कंपनी में ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक होता ही है, अपना लॉजिस्टिक मैनेजर का पोस्ट होता है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव का पोस्ट होता है, या फिर वेंडर डेवलपमेंट का पोस्ट होता है। तो इस तरह के जो कंपनी के पोस्ट वाले बंदे होते हैं, एक्चुअल में आपको उन सारे बंदों तक पहुंचना होता है अपने ट्रकों को प्लेस करने के लिए, चाहे वो टाटा एस हो, चाहे वो 12 टायर 14 टायर 16 टायर जैसी ट्रक हो। बट आपको एक चीज ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो बात करने के लिए, और जिस तरह का ट्रक आपके पास है, जिस तरह का ट्रक का बिजनेस आपके पास है, क्या उस तरह के ट्रकों का रिक्वायरमेंट उस कंपनी में होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी निकालना है, क्योंकि आज के डेट में लगभग सब कंपनी का वेबसाइट है, तो आपको आराम से किसी भी कंपनी का डिटेल्स वहां से निकल सकता है कि उनका नेटवर्क कैसा है, कहां कहां से उनको ट्रक का रिक्वायरमेंट होता है। तो थोड़ी सी आपको जानकारी ये भी निकालना पड़ेगा कि कहां कहां से उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कहां कहां पे उनको ट्रकों का रिक्वायरमेंट होता है। तीसरा निकालना होता है वो बंदे जो है जो इस पोस्ट पे बैठे उस कंपनी में, वहां तक अब कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों कोई भी कंपनी आप उठाओ, चाहे वो TCI जैसी कंपनी, मतलब जितनी भी कंपनी है, मैं लॉजिस्टिक में बात कर रहा हूँ या फिर वेयर हाउसिंग में, उनका जो है ब्रांचेज वेयर हाउस का डिटेल्स आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है। दूसरा चीज, उन सारे कंपनी का कॉर्पोरेट जो कॉन्टैक्ट डिटेल होता है वो आपको मिल जाता है, वहां पे आपको कॉल करके बोलना होता है कि मुझे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करना है, जो कि ट्रकों को प्लेस करते हैं। लगभग हर जगह पे कॉल को ट्रांसफर कर ही दिया जाता है उस डिपार्टमेंट में,
क्योंकि रिसेप्शन पे बैठे हुए लोगों को भी पता रहता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बैठे लोग जो है जो ट्रक प्लेस करते हैं उनको ट्रकों का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप वो उस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहां से डिटेल्स नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा जो आज के डेट में प्रोफेशनल साइट है लिंक्डइन, वहां पे इंडिया की जितनी भी कंपनी है जो लॉजिस्टिक से बिलोंग करती है उन सारे कंपनियों के ऑपरेशन डिपार्टमेंट के ट्रैफिक मैनेजर हो गया, ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजर, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव, इस तरह के सब जो पोस्ट वाले लोग सबके सब वहां पे उनका प्रोफाइल बना हुआ है। मतलब कि 90% कंपनी के लोगों को वहां पे प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी जाकर के लोगों को अपने कनेक्शन में लेकर के आइए, उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए, आपका एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप अपना ट्रक कहाँ कहाँ देते हैं, और वहां से भी आपको उन लोगों से कॉन्टेक्ट मिल जाता है। क्योंकि मेरे पास भी, मैं भी पहले जब वेंडर मैनेजमेंट देखता था, ट्रकों का प्लेसमेंट जब मैं देखता था, तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास इंक्वायरी आता था। आपको मैं अभी स्क्रीन पे भी चाहो तो दिखा सकता हूँ, अगर मुझे मिलता हो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कितने सारे लोगों का मेरे पास रिक्वायरमेंट आता था लिंक्डइन के थ्रू कि सर मुझे मेरे पास इस तरह का ट्रक है, मैं इस तरह का सुविधा आपको दे सकता हूँ, इस तरह का हमारा पेमेंट है, इतने घंटे का मेरा ट्रांजिट टाइम है, इसमें और बेटर अगर आप चाहते हैं तो मैं करके आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह के बहुतों सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि लोग पोस्ट करते हैं वहां पे, और आपका वहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वहां से आपको बिजनेस मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपको लॉजिस्टिक कंपनी में एंटर करना है तो 4-5 डिपार्टमेंट जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा जाकर के पहुंचना है वह है ऑपरेशन डिपार्टमेंट का लॉजिस्टिक मैनेजर का पोस्ट, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, वेंडर डेवलपमेंट का पोस्ट, और साथ में ट्रैफिक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का पोस्ट। तो आप लिंक्डइन पे जाकर के ये सारे पोस्ट को एक बार सर्च कीजिए, वहां पे आपको बहुतों सारे दिखा देंगे, इंडिया की जितनी भी कंपनी है जो उस के ऊपर रजिस्टर्ड है उन लोगों का नाम आपको वहां पे सामने आ जाएगा, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है आपको वहां से उनके बारे में भी पता चल जाएगा। तो वहां पे आप उनको कॉन्टेक्ट कर अपने प्रोफाइल में एड करके आप उनके साथ अपना डिटेल्स भेज सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिजनेस के बारे में जानकारी कि आप लॉजिस्टिक कंपनी में, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में किस तरह से अपने ट्रकों को प्लेस कर सकते हैं, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होता है, और आपको किस तरह से वहाँ से काम मिल सकता है उसकी जानकारी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। अगर आपको भी किसी और इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है कि मुझे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जानना है कि वहाँ पे ट्रक प्लेस कैसे करें, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करके, अगर मुझे जानकारी नहीं होगा तो मैं रिसर्च करके जितनी भी जानकारी मुझे मिल पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।